इंसाफ लेना है। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे पास जैनब नहीं रही। आम इंसान जो है उसको कोई प्रोटेक्शन प्रॉपर उसके लिए कोई मैनेजमेंट की, अब मुझे पता चला है कि वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दिया। दो दिन बेहया है ये लोग, 10 साल से पंजाब के इक्तदार के मसनद पे बैठे। इक्तदार तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है, MNAs MPAs तुम्हारे हैं, और तुम मान रहे हो कि सालों से वाकयात हो रहे हैं मगर तुम्हारे कानों पर जू नहीं लगी। तुम मजलूम कमजोर गरीब इंसानों के बच्चे बच्चियों को इंसान का बच्चा नहीं समझते। सबसे बड़ा ड्रामा शबाज शरीफ जब आते जी फलाने को मौतल कर दिया, अच्छा जी मैंने ये कर दिया। ये हाल था कि सुबह के 4:30 बजे गया मैं कसूर। ये खादमे आला है, अगर खादमे आला था तो लोगों को के सामने पहले जाता। रात के अंधेरे में इसलिए गया है कि उसको पता है कि इसे लोगों ने क्या करनी थी वहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू DNA। सईद काजी और गुलाम से नाजर है। अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम जो है इस वक्त हालत सोग में है, लेकिन जाहिर है हमने तो करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है और सईद काजी साहब रन डाउन दे रहे जी। चौधरी साहब, एक तो ये कि एक हम देखते हैं एक तहरीक की सूरत बनती चली जा रही है। सिर्फ आज हमने देखा कि कसूर में नहीं, हर शहर में लोग बाहर आ रहे हैं, बच्चे तक बाहर आ गए हैं। तो एक सिलसिला ये लगता है कि वो तहरीक कब बनेगी या नहीं बनेगी, मगर इस बच्ची के साथ होने वाला जुल्म जो है वो एक तहरीक की सूरत में हमें ढलता नज़र आया है। आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी और जो अर्बन सेफ्टी है या जो रूरल सेफ्टी है इस पर हम क्या खर्च करते हैं, कितनी है हमारी, ये बहुत प्रियोरिटी है ना। मीडिया में इसकी कोई बात होती है, ऊपर एक ड्रामा लगाया हुआ हमने, मैं क्यों निकाला और नीचे जो आवाम का हाल है वो ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट स्टोरी विच इज़ बींग इग्नोर्ड परहैप्स। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज 2-3 और वाकयात हो चुके हैं। फैसलाबाद में एक लाश मिलती है, कसूर में एक और लाश मिल जाती है, ये पाक पतन से इतला है। तो इस पे कहां है अर्बन सेफ्टी, क्या हमारे एजेंडे में है कोई इसकी, या सिर्फ पहुंच जाना है हमने रात को 4:30 बजे और पैसे बांट के आ जाना है। 4:30 क्या, सुबह 4:30 बजे चले गए थे ना CM साहब वहां पे, उनके दिन में नहीं गए। अच्छा किया उन्होंने दिन में नहीं गए। अच्छा, क्यों? और वो आपको पता ही है वहां क्या हो रहा है, वहां तो लोग जो है MNA MPAs के डेरे जो है उस वहां पे पुलिस तैनात है। अच्छा, इस पे बात करेंगे। और फिर जाहिर है ये 17 जनवरी का जो एजेंडा है इसमें आज इमरान खान ने भी कह दिया कि वो 18 तारीख को शामिल हो रहे हैं, क्या बड़ी तहरीक बन रही है, मगर इस तहरीक में क्या आवाम के मसाइल को लेकर आएंगे? आज देखा आपने अवामी मसले पे लोग कैसे बाहर निकले हैं, तो क्या अवामी मसला भी हमारे सियासतदानों का मसला है या इनका मसला इक्तदार में किसी को लाना या निकालना है? इस पर बात करेंगे। राना सनाउल्ला साहब के इस्तीफे से बात बनेगी, देंगे नहीं देंगे, वही एक जो लंबी कहानी चल रही है जिसे पंजाबी में आप पानी में मधानी हमने डाल रखी है। चौधरी साहब से पूछेंगे क्या होगा, मगर इसके साथ साथ एक जो लंबी कहानी चल रही है जिसे पंजाबी में आप पानी में मधानी हमने डाल रखी है। चौधरी साहब से पूछेंगे क्या होगा, मगर इसके साथ साथ सोशल खबरें और इसी से रिलेटेड क्या हो रहा है यहाँ पे। अब पूरे पाकिस्तान में 5 लाख हताई मौत बांट रहे हैं, 2 लाख तो सिर्फ पंजाब में है, इस पर बात करेंगे। और माहौलियाती हवाले से बहुत बड़ी खबरें हैं कि जी हम 2030-40 बल्कि उससे पहले ही सैलाबों का शिकार हो सकते हैं, और हाई जो इंटेंसिटी इवेंट्स हैं माहौलियाती उसके हम शिकार पे हैं, उसका एक शिकार बन सकते हैं। क्या इसकी हम कोई पेशकदमी कर रहे हैं? और जनाब तरक्की का सफ़र तो अब हमारा एक परमानेंट सेगमेंट बन चुका है, आप बताएंगे तरक्की के सफ़र में बेजाबतगियाँ क्या है, अरबों की बेजाबतगियाँ हैं एक तरफ, और फिर उन बेजाबतगियों की वजह से जो कुछ मनसूबे हैं उनके पैसे रुके पड़े हैं 50 अरब रुपया, क्योंकि सारे तो हम इधर ट्रेन पर डाले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर दवाइयों की खरीदारी में बेजाबतगियाँ सामने, क्योंकि सारे तो तहफ़ नवाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब को हटाना ये लड़ाई है, नीचे का खेल क्या है वो हम बताएंगे कि मरीज़ कैसे माफिया के हाथों में लुट रहे हैं। और फिर नाजरीन PSL का एक और टीम शामिल हुई है मुल्तान से, अब उस पर भी बात करेंगे। और हम उसके मीडिया तो सिटी नेटवर्क जो है वो उसका मीडिया पार्टनर भी है, इस पर हम बात करेंगे। मगर पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब सवाल ये है
कि एक तवील बहस हो। सवाल मेरा आपसे ये, बड़ी बहस हो रही है, कौन कहेगा यार, कोई फातरो नकली आदमी, इतना बुरा हुआ कि इसमें स्टोरी करने को दिल नहीं करता, मगर कोई बंदा एक बुनियादी सवाल नहीं उठा रहा। चौधरी साहब, आपकी सिक्योरिटी जो है, जो बंदे इस वक्त नवाज शरीफ साहब या इनकी रेजिडेंसेस के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, वो इसलिए खड़ी है कि उनको तनख्वाहें मिलती हैं। यू स्पेंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, आप पैसा खर्च करते हैं, ये पैसे से रिलेटेड है आपकी सिक्योरिटी, जो आम आदमी की जो सिक्योरिटी है उसमें आपकी स्पेंडिंग क्या है, मुझे आप बताएं ना। ये बात, यानी इधर की बड़ा बुरा हुआ, बड़ा हम कंडेम भी कर देते हैं, ये जानवर हैं, क्या वो जानवर नहीं हैं कि जो यहाँ की जो सिक्योरिटी के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते और जो है दो नंबर मनसूबे में लगा रहे हैं, और आपकी बच्चियां इसी तरह मल्ले गली में हो रही हैं। आपके बाद अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आज इमरान खान जो इनकी मेन अपोजिशन है, उन्होंने क्या कहा वो सुन ले। 1992-93 में आईजी अब्बास खान ने एक रिपोर्ट दी थी लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी कि ये बताएं पुलिस करप्ट क्यों है इतनी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जमाने में पुलिस के अंदर भर्तियां मेरिट के बगैर हुई, सिफारिशी भर्ती किए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस रिपोर्ट ने कहा कि लोगों से पैसे लेके पुलिस में भर्ती किया गया, रिश्वत लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया। और जो तीसरी फाइंडिंग थी, वो जो सबसे शर्मनाक, कि मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया, मुजरिम जो थे जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनको पुलिस में डाला गया। ये क्यों किया गया? ये इसलिए नहीं किया गया कि इनको एक पुलिस फोर्स चाहिए थी जो लोगों की हिफाजत करे, ये इसलिए थी कि ये पुलिस फोर्स वो होनी चाहिए थी जो शरीफ खानदान की हो, वो इनका हर अच्छा बुरा काम करें। इन्होंने पुलिस को तबाह इस तरह किया है कि पुलिस बजाय कानून पे चढ़ के काम करे, पुलिस वो काम करे जो ये हुक्म दे उसे। ओ भाई, इसका और बड़ा अहम हिस्सा है, उन्होंने कहा 7 अरब रुपया इन नवाशी वगैरह की सिक्योरिटी पर, 7 अरब रुपया। पहले तो 3 बातों पे है ना, ये जो अब्बास, आई जी अब्बास साहब की जो रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, कि पहले तो उन्होंने उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने पैसे लेके भर्ती किए, क्रिमिनल लोगों को अंदर लेके आए। चौधरी साहब, ये तो आपको याद है ना कि यहाँ पे कितने आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिनमें से रिसेंटली एक मारा गया बेचारा, आप जानते हैं ना, मैं अब नाम नहीं लेता लोगों का, और कुछ भागे हुए हैं यहाँ से, बाहर गए हुए हैं, उनकी तरक्की की क्या वजह थी? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स लीडर को जो मार रहे थे, और को तो राणा सनावला ने मरवा दिया यार, आई डोंट नो, आपको ज्यादा पता होगा, आपकी मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मगर आई रिलाय ऑन योर इन्फॉर्मेशन। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब थानों में, अब थानों में क्या है, कोई शरीफ आदमी की चोरी हो जाए वो घर बैठे रहता है, थाने में नहीं जाता, भाई क्यों है कल्चर? आप मुझे बताएं, कल एक वॉक्स पॉप सर्वे करवा लें यार, किसी एक मेरा फोन छीन लिया किसी ने रस्ते में, आई वॉज वॉकिंग ऑन द पेवमेंट, तो मैं तो नहीं गया थाने में। जनाबे वाला, आप एक फोन की बात कर रहे हैं, मेरे 8 वो हो चुके हैं डाके, अच्छा पिस्टल पर रिवॉल्वर दिखा के, थल धक्का दे के नीचे फेंक, अच्छा, के दूसरी चॉइस पैसे, ये क्या है? अच्छा एक तो चॉइस, अब ये इस पे हम बात करेंगे, मैं दूसरी स्टोरी बाद में आपको कहूंगा कि वाई ये क्यों एक ऐसा मुल्क है जिसकी मैं इंटरनेशनली रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि ये कोई दूसरा तीसरा, और इस रीजन में बदतरीन मुल्क है किसी बच्चे के लिए पैदा होने के लिए, मैं बच्चों की अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, गेटेड कम्युनिटी में पैदा होने वाले बच्चे या यूरोप के अस्पतालों में, इतला ये है कि कोई कातिल जो है ना, पकड़ना तो दूर की बात है, उसके नजदीक नहीं, बेगनाहों को लब्बा डाल डाल के मार मार के उनके लवाहकीन से, एक अनडॉक्यूमेंट नहीं, उनके लवाहकीन से लाखों रुपए ही छीन रहे हैं, क्यों, यानी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, तो यही होता है जहां कानून सख्त बना दो तो रिश्वत बढ़ जाती है। अच्छा, कोई कातिल नहीं पकड़ रही, पुलिस बेबस है, जब तक इन लोगों के इस्तीफे नहीं होते, और ये शबाजी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, इनकी नाहली पे तो दो आरा हो ही नहीं सकती, मगर इनके इस्तीफों से बंदे पकड़े जाएंगे मुझे नहीं लगता। बात ये है कि मैं कहते इनको इस हुकूमत को, इंसानों का आपने जंगल बना दिया है सोसाइटी को, आपने शहर किस तरह बनाया। सईद काजी साहब, आई गिव यू फुल, यानी आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप सोशल रिलेटेड जो डाटा इंफॉर्मेशन उसकी बुनियाद पर राइट कंक्लूजन, और आंखें खोलते हैं उनकी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ना पुलिस ने कोई बंदा पकड़ा है, 1-2 किलोमीटर के अंदर 11-12 वारदातें हो गई हैं, पाकपटन की यही रिपोर्ट आ गई, फैसलाबाद से ही आ गई, मुल्तान से आ गई, मुजफ्फरगढ़ तो वैसे ही लोगों को मार मार के, तो आपको पता क्या कुछ कर चुके हैं। तो ये एक ब्रेक डाउन है ना, आपके लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन है, तो हु इज गोइंग टू मैन इट? जरा सिराज उल हक साहब की बात सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे भी पूछते हैं क्या है। चौधरी आला साहब, आपकी इलीट फोर्स कहां गई थी? आपका डुलपन
फोर्स कहां गई थी, आपके लाखों पुलिस कहां गए थे, आपके कैमरे कहां गए थे, आपके नारे, आपके इश्तेहारात, आपके एक्शन कहां गए थे जब एक जैनब दरिंदों की जंगल में थी। जाते जाते जरा एतजाज अहसन साहब को भी सुन लें जी, आप सुनाएं फिर बात करते हैं। एक बेटी कौम की, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उस बच्ची बेचारी के साथ जिस किसी क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, और इनके जूनी नहीं थी, कोई वजीर नहीं गया, कोई हुकूमत का MNA नहीं गया, कोई हुकूमत का MPA नहीं गया, ये लॉ मिनिस्टर जो बयान दे रहा है ये नहीं गया। राणा सनाउल्लाह को तो बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए था, उसके होते हुए तो इतने वाकयात हुए हैं कि ये तो बहुत, तो अभी भी उसने देर की है। वैसे चौधरी साहब, मैं तो ये कहूँगा सारे तबके से इस्तीफा लेना पड़ता है, ये एक बेचारे राणा सना साहब के या किसी इस्तीफे से क्या होना है। मगर बात यह है चौधरी साहब कि हम दोबारा इसी बात पर आते हैं कि क्या क्या आपके मल्ले, अभी चलते हैं किसी कस्बे में चले जाते हैं, किसी छोटे कस्बे में चले जाते हैं, कोई मैं कहता हूं कि ये अब इनकी हालत हो गई है अवाम के नुमाइंदे बनने का मैंडेट है हमारे पास, ये हो गया, अब भी हम जीतेंगे। आपको और आपके इलाके वालों ने शेखुपुरा भूल गया आपको? हाँ, गए थे ना नुमाइंदे, हमारा दोस्त है, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने उन्हें आइंदा भी महफूज रखे। ये अब अवाम में जा नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जो दुनिया बना दी है और जितना इनसिक्योर इस समाज को कर दिया है, इनका अगर ये ख्याल है कि इनके डेरे और इनके फार्म हाउसेज, इनके गेटेड के सुबह 4 बजे रात के अंधेरे में खुफिया मुलाकातें जाके करते हैं, जाहिर है क्या करते हैं उनको तो लेना जाने की क्या जरूरत। जब VIP मूवमेंट होती है तो पहले VIP को बताया जाता है कि आप जाएं ना जाएं, और अगर जाएं तो किस वक्त जाएं, आपको अंदाजा नहीं है 4:30 बजे क्यों गए? आप कैन यू इमेजिन सिचुएशन कि एक वजीर आला, तो आप मुझे एक बात बताएं, सवाल है 12 करोड़ के सूबे का और आगे उम्मीदवार बना हुआ है वजीर आजम का बनने का, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ, आपने तो देखा है, चलो हम आमरों को बड़ा बुरा कहते हैं, हमने इस लाहौर की सड़कों में बगैर सिक्योरिटी के अयूब खान को जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ देखते थे। आप जुल्फकार अली भुट्टो में, जब आप पीपल्स पार्टी छोड़ गए उधर नहीं गए थे दूसरी तरफ, जुल्फकार अली भुट्टो कितना दूर होता था आपसे, कौन सी उसके पास सिक्योरिटी की वाल होती थी मुझे बताएं? वो भी लीडर थे, ये भी लीडर हैं, ये क्या फ़र्क है बोले? नहीं नहीं, वहाँ ये वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर VIP लाउंज में, जो VVIP अब, वहाँ मैं ऐसे ही बेधड़क गया हूँ कारकुन के तौर पर, तो वो उठ के मुझे मिले तो कहने लगे ये रूसी सफीर से ज़रा मैं बात कर लूँ। नहीं, मुझे ये बताएं, हाँ, कि ये इन्होंने क्या ऐसा जुर्म कर दिया है, इनको क्या खौफ है, ये जो अवाम अवाम जमहूरियत जमहूरियत अवाम अवाम, ओए अवाम में जाके तो दिखाओ, तुम्हें डर लगता है वो छोटे उठा के मारेंगे भाई। रात के अंधेरे में उनके जख्मों पर नमक पाशी करने के बजाय, जो अभी उमरा करके बेचारे आए, उनकी हालत देखे ना जैनब के वालदैन की, हौसला है कि वो अभी जिंदा फिर रहे बेचारे। इंडाइट चौधरी साहब, इंडाइट करना पड़ेगा इस तबके को, जिस तबके को नहीं यार, जो तबके को देखें क्यों क्या खर्च करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि पंजाब जो इंडियन पंजाब है उससे ज्यादा खर्च करते हैं हम पंजाब की सिक्योरिटी पे, उसकी आबादी हमसे कम है, बहुत कम है। यानी अच्छा, उसके बाद मैं जब कहता हूँ ना, बातें अनरिलेटेड नहीं होती, आपको पता होना चाहिए इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में, इस गली में, इस शहर में कौन आदमी कहाँ रह रहा है और उसकी मूवमेंट। फिर आप 2 नंबर कैमरे लेके आए, मुझे एक बंदे ने स्टोरी दी थी चौधरी साहब कि फिर किसी को ठेका दे रहे हैं पता नहीं कितने अरब का, ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो कैमरा लगाया हुआ आपने, मुझे पता कर, पहले इन्होंने मंगवाए वो क्या कहते हैं वो स्कैनर, जिसे मैं कहता था तालिबान सेकेंडरी स्कैनर, तालिबान फ्रेंडली स्कैनर्स, कि तालिबान गुजर जाते थे नजर नहीं आते थे, ये आपने कैमरे मंगाए हैं, ये कितने ये भी क्या जो रेपिस्ट फ्रेंडली कैमरे लगाए हुए हैं ताकि उसकी शक्ल ना पता चल सके, हर जगह दिहाड़ी हर जगह, तो ये है चौधरी साहब, दैट इज व्हाई आई एम इंडाइटिंग देम, ये हमारे बच्चों के मरने की वजह ये है खुद है, या छोड़े हुक्मरानी भाई, किस किस चीज का रोना रोए मुझे। आप चले, मैं सवाल पूछता हूं, आप एक संजीदा दानिश्वर है, अब ये जो वाकयात हो रहे हैं उसके बाद हुकूमत नाम का वजूद कोई नहीं, और वजीर आजम कल आपने उनका ऊपर नहीं, कल आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे पर हमला कराया कराची में, आपने कल उसका जिक्र नहीं किया, ये एक गुलजार साहब के साहब, मैं आपसे एक कहानी थोड़ी सी कहानी मुख्तसर 2-3 मिनट की है।
मैं एक 30 सेकंड की सॉरी, वो ये थी कि मैं जब देख रहा था बच्चों के बारे में तो मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान दुनिया का जो रीजन का एशिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है किसी बच्चे के पैदा होने के लिए। पहले तो उसकी जंग माँ के पेट में शुरू होती है जिसमें 5 में से 3 माओं में खून की कमी है। वो किसी ना किसी तरह अगर पैदा हो जाता है तो दुनिया में हाईएस्ट रेशोज हैं कि वो अपनी पहली सालगिरह पर पहुँच नहीं पाता, मगर अगर वो पहुँच ही पाता है तो जब बाहर आता है और वह बेचारा 5 साल की उम्र में तक पहुंचने से पहले बहुत सारे मैं उसकी फिक्र यानी उसकी एक स्ट्रगल है, मगर उसके आगे क्या अगर वो बच जाता है और वो किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी अपनी कुव्वत की वजह से या किसी वजह से, तो फिर उसके बाद इस समाज में हमें अब 3 करोड़ बच्चे हैं या कुछ 2.5 करोड़ कहते हैं 3 करोड़ बच्चे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, किसी को पता है वो कहाँ है इस वक्त, आपके स्कूल्स कहाँ हैं, आपके पैसे कहाँ हैं। और वो चौधरी साहब मैं इस पर बात ख़त्म करूँगा कि उस किसी ने कहा था कि ज़िंदगी हमेशा कमज़ोर को निशाना बनाती है और बच्चे से ज़्यादा कमज़ोर कौन होता है। और आपने दे आर दी जिनके पास हमारे बजट हैं, जिनके पास हमारे टैक्सेस जाते हैं, जो चोरों को बचाने के लिए लॉ मेकिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैंने 3 कानून का आपको बताया कि जो है जो जितने चोर हैं वो बेशक जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यही होगा ना। मैं आपको बताऊं, एक वक्त आपने कभी कारोबारी सिलसिले में ना ईरान में वसी पैमाने पर मेरे विजिट हुआ, एक महीना वहाँ, तेहरान, इस्फहान, बंदरबाज, शिराज, फलां फलां, वहाँ हेडलाइन अखबार की क्या होती, कैन यू इमेजिन कि आज फलां जगह एक कत्ल हो गया। नहीं नहीं, या तो यानी वो, लेकिन एक कंट्रास्ट करें आप जरा मुझे, हाँ। ये बताएं जरा बच्चों में फ़र्क देखें, ये हमारे बच्चे हैं जिनका ये अशर हो रहा है, जरा वो बच्चे देखें कि जो दिन दहाड़े कत्ल करते हैं अपनी बहन को छेड़ने पर रोका किसी बच्चे ने तो वो अभी तक बाहर है, वो बाहर आ गया। यहाँ पे इनके तबके के बच्चे ने जाते जाते चांद मारी की और एक बच्चे को स्टूडेंट को कत्ल कर दिया, एक फेडरल मिनिस्टर के बच्चे ने, उसने किसी का बाल भी बांका नहीं किया। ये फर्क है चौधरी साहब, ये इनकी सिक्योरिटियां ठीक है और जब तक इनकी सिक्योरिटियां ठीक है हमारी खराब है। मैं अब आपको अर्ज करूँ, आप चाहते हैं ना कि यहाँ अमन अमान हो, आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, आप चाहते हैं? वो तो पीएम साहब कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, पीएम अब बच्चों के पास रोजगार है। हालत ये है कि कोई पता नहीं की काम करने की पार्टी और मुखालफों ने मिलकर इनके वजीर आला को चलता किया और वो कल रोना रोते रहे कैबिनेट में कि वो आज तो अपोजिशन कह रही है हम पीएमएल लेके आए अपना हम नहीं ला रहे अपना कैंडिडेट। नहीं नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, वो आज कल गालियां दी हैं उन्होंने फौज के अदारों को, वो तो रोज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी आप जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उसी अदारों को जो मुल्क का तहफ्फुज़ कर रहे हैं अपने, वो तो उन्होंने अपने रोल मॉडल शेख मुजीब को बता दिया ना, उनका रोल मॉडल है शेख मुजीब। देखे वो जो हमने कहा था ना कि ये मुजीब रहमान बनना चाहता है और उसकी हसीना वाजिब, मगर हमारी दुआ है कि वो मुजीब रहमान नाम था ना शेख मुजीब रहमान, वो ना ही बने तो बेहतर है, समझ गए ना। खुद उसको फखरिया अनाउंस कर रहा है कि वो मोहब्बे वतन था। नहीं देखे, मैं नहीं चाहता, मेरी दुआ है कि उस जाम ना हो, अल्लाह ताला ने सेहत जिंदगी दे उनके, तो उनके अपने मुल्क में क्या हुआ था। मगर आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब, बात ये है कि इसलिए हम इसको इंडाइट कर रहे हैं कि ऑल दोज पीपल, मैंने एक खातून से MNA से सवाल किया कि असेंबली में जब आप फाइनेंस बिल पास कर, ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि अब एहतजाज किस शक्ल में जाएगा और हुकूमतें किस तरह गिरने वाली हैं और कौन खुफिया मीटिंग कर रहा है लंदन में इसहाक डार से, उसकी तस्वीरी झलकियाँ और खबरें भी देंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक सईद काजी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपने लोगों को निशान इबत बनाना होगा, जो कातिल हैं जिनको फांसी हो चुकी है, जो जेलों में पड़े हुए हैं उनको निकालें, और 100 से ज़्यादा हमारे ज़िले हैं, हर ज़िले में एक एक दो दो तीन तीन जो मेन है, फैसलाबाद का घंटाघर, लाहौर का चेरिंग क्रॉस जी, इस्लामाबाद का फैज़ाबाद चौक या डी चौक, आप समझ रहे हैं कि नहीं, पिंडी का माल रोड, कराची का उधर इनको लटका दें और लटकाएं उनको और पता चल जाए कि कातलों का, बताखोरों का, चोरों का, डाकुओं का ये अंजाम है, और मॉडल टाउन के कातलों को उनके मॉडल टाउन में ही लटका दें। अच्छा, और लोगों को पता, आप, मैं कह रहा हूँ इससे कम किसी को इबरत नहीं होनी, नहीं, आपने ये करना होगा, और इनमें कोई हो बड़े से बड़े उद्दे पर हो उनको घसीट के लेके जाए और लटकाए, मुझे, मैं कहता हूँ। अच्छा, जैसे सऊदी अरेबिया में, ईरान में, कई मुल्कों में, इमरान खान साहब ने, चाइना में,
इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो 18 तारीख को आ रहे हैं, और आज जो तहरुल कादरी साहब ने कहा है कि ये जो इश्यूज़ हैं, क्या इन इश्यूज़ को भी अब लेके आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं साफ, जिस वक्त तक सोशल आम लोगों के इश्यूज़ ये अपनी तहरीक में नहीं लेके आएंगे, ये बस ऐसे बबल ही रहेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ चौधरी साहब, आज आप मुझे देखें, कोई पोलिटिकल लीडर वहाँ नहीं था, पूरा कसूर शर्म सड़कों में, उनका इशू था ना, उनका दर्द था, उनका दुख था, उनकी तकलीफ थी, उनके दर्द दुख की तकलीफ की बात किए बगैर यहाँ कोई तहरीक नहीं बन सकती, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और इसलिए ये मौजें कर रहे हैं, हमें अभी अभी खबरें करेंगे, आए रोज़ हम अरबा रुपया ये खा रहे हैं, और सीधा साधा, यानी आपको, आप ये कह रहे हैं कि यार 20 अरब रुपए का उसने बचा लिया तो 4 खा गया तो क्या फर्क हुआ, यू आर कोटिंग, यू जस्ट सेड, आपने यहाँ बैठ के कहा, तर्दीद करे ना कोई, पर डर क्यों नहीं लगता, कराए तर्दीद नहीं, मैं तर्दीद, इनको डर क्यों नहीं लगता इस बात पे, इनको पता है कि जो अपोजिशन है वो उन इश्यूज पे आई नहीं रही, जो 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 आम मैसेज के इश्यूज हैं। अब मुझे बताएं, हमारी सिक्योरिटी का इश्यू है, किसी ने बात की, रोटी का इश्यू बात की, सारा ऑपोजिशन ही कर रही है। मैं अब आपको बताऊं, मुझे नहीं, मुझे बताएं क्या 5,28,000 इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, डंगरों की तरह बच्चों को मार रहे हैं, हमें डॉक्टर चाहिए या अताई चाहिए, ये आपका ही नुक्ता लगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि 2,00,000 अताई तो सिर्फ पंजाब में है भाईजान, 5,00,000 अताई आज मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताएं, वही जराइम कर रहे हैं जो हमारी बच्चियों के खिलाफ, ये डंगर और ये जो बीस्ट है। अब आप खुद देख लें, ये जो अताई हैं, ये जाली हकीम जो हैं, इन्होंने जो भी, मैं इनको क्या कहूँ, उन्होंने कितने करोड़ लोगों को या मार दिया है या उनका इलाज किया है, क्या किया, वजह बताएं, ये हकूमत नहीं। हाँ, बात ये है कि जब, और ये तो प्राइवेट गार्ड्स रखते हैं अपने लिए, मुझे ये बताएं कि जिस वक्त तक इशराफिया अपना जाती, निजी और प्राइवेट सिक्योरिटी रखती है, इसको एतबार ही नहीं है जो है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, और जो हमारे, हम जितने पैसों से पुलिस को दे रहे हैं वो 40% इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, जब इलाज में ये जीरो है। मुझे ये समझ नहीं आती इस अपोजिशन की, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने इतनी वीक गवर्नमेंट, जो इतनी एंटी पीपल हो और इतनी प्रो रिच हो, जिनकी, बस मैंने 3 बातें की ना आपने, क्या काम नहीं किया इसहाक डार साहब ने, क्या अच्छा किया आपसे। मैं एक और सवाल करता हूँ, आप भी बड़े माचल है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर अस्पतालों में मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, जाली दवाइयाँ हैं, डॉक्टर ड्यूटी नहीं दे रहे, और मेडिकल की फीस जो है वो पिम्स में है, बेजाबतगी है, MBBS जो करने की जो फीसें हैं, आप कितनी दफा रोना रोए, उन चीजों को पकड़ कर रहे हैं, और एजुकेशन कार्टल्स हैं नहीं, अगर चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहबान अपना वक्त दे रहे हैं और हफ्ते इतवार को बैठ के इन इश्यूज को कर रहे हैं, तनकीद आएगी, ये जब भी इन कार्टल्स को हाथ डालेंगे, आप यकीन करें इनको क्या मरोड़ रख रहा है, मुझे कह दो, बड़ी हैरत होती है, आपको समझ नहीं आती इनके मरोड़ की। और जब वो इनकी दिहाड़ियों की तरफ इशारा करते हैं, जब वो बताते हैं कि ओए ये तालीम फरोशी मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ पे पैसे भी लेके तुम नहीं पढ़ाते, और 15-15 लाख जब आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपने जाली नतीजे बनवाते हो, सिर्फ मार्केटिंग के नुक्ते नजर से पर्चे खरीदते हो, क्या क्या खबरें यहाँ नहीं हुई आपको, फिर ये बताएं 10-15 लाख सरकारी नौकरियों यार, एक मिनट ना, शरीफ सिटी जो मेडिकल है इनका, नवाज शरीफ का, 10-15 लाख रुपए फीस ले रहे हो जी, वो तो कहते हैं कारोबार है, मगर फिर वही बात, पीएम साहब कहते हैं कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है, मगर जो कारोबार करता है उसका काम हुकूमत करना है, वो फिर वो हुकूमत नहीं करता, नहीं, फिर वो कारोबार ही तो करता है, वैसे माफ करना, और वो हुकूमत को अपने जाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करता है, साबिक वजीर आजम या नहल वजीर आजम जो थे, और ये जो वजीर, इनका लोगों के यार उनके कारोबार में कमीशन लेना, कौन सा कारोबार साहब, नहीं मैं असल बात बुनियाद पे है, ये सियासतदान नहीं, और सियासतदान तो मौजूद पेशा है, पैगंबरों का पेशा है, और ये ना तो बेस बदला हुआ था, ये तो दुकानदार है, करियाने वाले कहां के कहां पहुंच गए हैं, ये वो लोग हैं इसलिए आ जाते हैं। अच्छा एक और बात, जब ये कहते हैं ना हमें क्यों निकाला, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं, पता क्या, उनको पता ही नहीं था कि कानून हमारे लिए भी है, यह चोरी जुर्म होता है, ये करप्शन एज अ मैटर ऑफ राइट करते रहे यहां पर, ये एज वो कह रहे हैं कि कल माजी में हमने यार बड़ा काम किया इन तहरीकों को कुचलने के लिए, जब तुम इनोसेंट लोगों को कोड़े मार रहे थे, उन्हें चौकों पर फांसियां दे रहे थे, तो हम तुम्हारा साथ दे रहे थे, तो इसके बदले में हमने करप्शन की, अब हमें क्यों पकड़ते हो तुम, ये है उनका बुनियादी तौर पर, अगर उसको आप डाइसेक्ट करें ना इनके आर्गुमेंट को, तो अंदर से ये यार है, अब ये क्या देख लिया, भाई लोन लेके खा गए तो ये कौन सा जुर्म, दिस इज देयर भाईजान, जिस जज साहब ने पहले, आपको याद है 20 अप्रैल की जजमेंट में जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, जिन्होंने साथ दिया जस्टिस आसफ सईद खोसा का, और दोनों चीफ जस्टिस होंगे वन आफ्टर द अदर, उनके बेटे पर कल फायरिंग की गई है, दिन दिया बिल्कुल, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। और जो हुकूमत ने बयान दिया है कि ये क्या था,
डकैती बिल्कुल नहीं है, ये मैसेज दे रहे हैं। ये है उसकी वजह, यह है कि इनको, इनके जब आप भत्तों को की तरफ इशारा करेंगे और जो सियासत के नाम पे हटियां खुली हुई हैं, इन हटियों को बंद करने की अगर अदालत बात करेगी तो ये होगा। मगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा एग्जिस्टेंशियल मसला है चौहान साहब, नंबर एक। नंबर दो, ये अब वज़ीर-ए-आज़म के उहदे पर बैठ के फौज और उसके रियासती इदारों को जब निशाना बनाएंगे तो किसकी खिदमत आज तो उन्होंने बड़ी तारीफ की है, आज किया ना, कल काबीना इजलास की रिपोर्ट, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी वो हमारे अरकान जो थे वो एजेंसियों के दबाव में थे। लो क्या, अच्छा चौधरी साहब, कमिंग बैक टू दिस 17th ऑफ जनवरी जो आ रही है, और सुना है कि बड़ी फोर्स बन गई है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं इसको रोकने के लिए, और साथ ये यानी कातिल तो पकड़े नहीं जाते, बच्चियां मासूम लोगों की उनकी बेहरमती करके, उनकी तजलील करके, उनको मार के पांच दस दिनों बाद लाशें मिल रही हैं, बच्चों की लाशें मिल रही हैं। आपको एक बात, वो तो आपको पकड़े नहीं जाते, और आप और मारीटॉन में लाशें फेंकते हैं और आप इनके धरने का मुकाबला, ये जनवरी के अंदर ये लोग जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साहब, इन्होंने क्या पकड़ने बंदे, लेकिन ये नहीं रोक सकते। एक बात सिर्फ मैं इनकी अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो आज कसूर में हुआ है, ये लोगों की जो खुदरो एक तहरीक बाहर निकली है, इसको जरा देख लें। और इसमें पुलिस वाले भाग रहे थे आगे आगे, खुदा ना करे कि ऐसा वक्त आए और आप इस समाज को, इन लोगों को उस नुक्ते और मकाम पर ले आए कि ये कसूर ना रहे। और जिस तरह आज हमने देखा बहुत से शहरों में मासूम बच्चे बाहर निकले, फैसलाबाद में और बेशुमार लाहौर में आए, कराची में बाहर लोगों ने आके इजहार यकजहती किया है, आपके किसी इसी हादसे ने किसी तहरीक को जन्म दे लेना है। मगर इससे पहले खुदा करे कि यहाँ पे कोई ऐसा तहरीक हो, ऐसी मूवमेंट हो कि ये ना हो, मगर ये चौसा मुझे रुकता नजर नहीं आता। और देख लें, फिर आप देखेंगे कौन सी आपकी फोर्स खड़ी होती है। ब्रेक के बाद आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है इससे ज़रा हट के, कि लंदन में ठंडे मौसम में कौन सी गर्मा गर्म मीटिंग खुफिया हो रही है मीटिंग जी, और कौन कर रहा है, और उस ड्राइवर का क्या नाम है जो इस हाकडार को लंदन में सैरिंग कराता है जी, और उनका दफ्तर चलाते हैं एम्बेसी वाले, ये सारा हमने बताना है आफ्टर कुछ तरक्की के सफर की बातें भी करेंगे। वेलकम बैक जी काजी साहब। साहब एक तो आपको याद है हमने बहुत सी स्टोरीज दी थी और हमने बताया था कि जनाब बहुत बड़े सवालिया निशान आ गए हैं, खासतौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेशुमार गबले थे उनके अपने अंदर। अच्छा पहले आप बात करना चाहते हैं, आप कर ले, मैं फिर तरक्की का सफर बाद में पेश करता हूँ। आप जरा तनजली का सफर सुना ले। वहाँ से लंदन से हमारे रिपोर्टर ने और जराए ने कन्फर्म किया है कि मोहतरमा मारवी मेमन, जिन्होंने इसहाक डार जो आपके वजीर खजाना रहे हैं और अब पता नहीं उनका क्या स्टेटस है, रुखसत पर है या क्या है, लंदन बैठे हुए हैं सेहत की खराबी की बुनियाद पर, वो वहाँ दूल्हा भाई का स्टेटस तो है ना, वो जुमे को वहाँ पहुँची, फिर कोई यूरोप के दूसरे मुल्क में चली गई, अब वापस चली गई हैं। वो तस्वीरें दिखाएं जी आज वहाँ जो हमारे हाई कमिश्नर जो हैं और उनकी बेगम साहबा के साथ ये फिर रहे हैं, और मारवी मेमन साहबा, हमारी इतलात ये है जो यानी मारवी मेमन ने जिसकी तस्दीक नहीं की क्योंकि उनसे हमारा कोई रबता नहीं हुआ, कि यानी हमारे ज़राए कह रहे हैं कि उनकी 4-5 खुफिया मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार साहब से, और जाफरी नामी जो ड्राइवर है वो इसहाक डार को लिए फिरते हैं, इनके हमारा अस्पताल ले जाते हैं अपनी अहलिया के साथ जाली खुफिया, वो डिनाई करते हैं ना। उनकी और भी एक वजीर है फेडरल, वो भी पीछे सुना जा रही हैं इयादत के बहाने। अच्छा बार वो हमें कुछ नहीं है, ये वहाँ मीटिंग कर रहे हैं और नसीब लोग हैं, और पता है कि यानी पता चला है कि साग डार साहब की सेहत जो है जिस्मानी सेहत उतनी ख़राब नहीं है जितना वो सियासी तौर पर खराब हो गया। उनकी उनका वजन माली का वजन कम हो रहा है, देखा आपने वजन कम हो गया, और टीवी पे जब बोल रहे थे थोड़ी रिक्कत थी उनके रंग काला पीला और नर्वसनेस के दौरे पर। एक बात बताऊं चाहिए साहब, नर्वसनेस इस दुनिया में वफा नहीं, डिप्रेशन नहीं, एक इस दुनिया में नहीं वफा नहीं है, तो मारवी मेमन गई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात, यू आर नॉट पिकिंग माय पॉइंट, देखें जितनी उन्होंने उसका खातून गई है कि नहीं, जितनी सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद जान फिशानी से उन्होंने जो करना करो, इतनी जान फिशानी से उन्होंने इस इशराफिया के लिए काम किए हैं, दो नंबर जो कानून बनवाए हैं और जो कानून उनके खिलाफ हो सकते थे वो निकलवाए हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए था इन्हें, इतने परेशान उनका वजन कम हो रहा है। अब वापस आता हूँ चौधरी साहब, अब इस पे नहीं उनकी हालत, वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि मेरी मुझे सजा भी हो जाएगी और मेरे
मेरे असासे और पैसा भी जब्त हो, तारीख जरूर सजा देगी आपको जब वैसे होगी अदालतों के लिए लोगों को, लेकिन नवाज चीफ समेत सबको मैं कह रहा हूँ आपको, और कोई भी नहीं बचेगा। कमिंग बैक टू ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, इन कंपनियों के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल था इनका, और इसमें एक आपको याद है हमने एक स्टोरी नाजरीन ये भी हुआ कि इन्होंने कहा कि जी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस कॉम्पिटेंट ही नहीं है, कंपनीज एक्ट कोई और था, उसको इधर ला के इन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही उस पर सवालिया निशान, जिस तरह ने पता चलता है ना कि जजों पे इल्जाम लगा दो हमारे खिलाफ, अगर कोई चोरी पकड़ेगी ये खुदा ना खास्ता तो इल्जाम शुरू कर दो। अच्छा अब इन्होंने क्या किया कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 1,68,67 करोड़ का पैसे जारी कर दिए हैं, ये जाने के बगैर कि इनकी अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस पर पड़ी 1.67 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा अब बात यह है कि आपने पहले पता किया वो किधर की सफाई, उसके बाद वो जो इल्जाम थे जिसे हमने कहा था लाखों का ढेर, फिर आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं उसका नाम लाखों का ढेर है, और उनके इदारे के अंदर मजाक बना हुआ है कि वहां जो है वो ठेके किस तरह दिए गए और किस तरह लिए गए, और उसके बाद ये हुआ कि जो जो यानी अपनी आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर पहले उन्होंने कहा एक्शन लेंगे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, उनके जो हेड है वो आके माशाल्लाह टीवी पे भी बैठे रहते हैं, मगर सवाल ये है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ करना था वो नहीं हुआ, फिर उन्होंने वो खोता रेडी जो ऑलरेडी मौजूद थी, ओए यार जब 2 बिलियन में काम हो ही रहा था तो ये 14-15 बिलियन देने का क्या फ़ायदा था हमें, और उन वही खोता रेडी इस्तेमाल होनी थी बाद में, मुझे किसी अंदर के बंदे ने बताया कि जनाब उन्हीं को इन्होंने एम्प्लाई किया हुआ कि आप कचरा उठाएं और जाके फेंक आएँ, और सेकेंडली जहाँ पर कचरा फेंकना था इन्होंने वहाँ एक साइंटिफिक अंदाज से उसको डिस्पोज ऑफ करना था ताकि नीचे पानी को गंदा ना करे, क्योंकि लाहौर का सबसे बड़ा क्राइसिस जो आने वाले दिनों में बन रहा है और वो ये है कि यहाँ के पानी की वजह से बहुत से गाँव में लोग जो है माजूर पैदा हो रहे हैं या माजूर हो रहे हैं, वो करना था, तो हम 16 अरब रुपया दे के अपने लोगों को माजूर फरमा रहे हैं और उनके लिए और पैसे हमने कर दिए। क्या निकला कि जो बहुत और पंजाब मैं इस किस्म के अरेंजमेंट्स पर और गवर्नर्स चलें मैं कोशिश करता हूं वो पहुंच जाए कहीं रास्ते में ना रह जाए, लेकिन हजूर बात पहुंच गई। अच्छा चले मैं अर्ज करता हूं कि पंजाब हुकूमत का जो एक माली बुरान और आ गया ये कि 50 अरब की अदायगी है, क्योंकि सारे पैसे पंजाब गवर्नमेंट के अलावा सारे पैसे हर जगह पंजाब में रखते हो, सारे उसकी भी कुछ स्टोरी आएगी तो कर देंगे, अभी 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 इस्लामाबाद की स्टोरी भी है हमारे पास, अभी हमने कल परसों सिंध की स्टोरी की थी याद है आपको, क्या की थी कि 34% लोग जो हैं वहां के ज़हनी मरीज बन चुके हैं उस मॉल की वजह से, कल उसके बाद कराची के कराची और हैदराबाद के लोगों की दुख तकलीफ नहीं नजर आती थानू, दो मेजर हर वक्त इधर लगे रहते हैं, दो मेजर स्टोरी नहीं तो क्या इधर दोस्त है आपके, आपको कुछ ज्यादा तकलीफ होती है आपको, कौन सी मेरा कोई दोस्त नहीं, हमारे दोस्त सिर्फ आवाम और हमारे कौन कह रहा है पाकिस्तान में आपके इस खादिम के अलावा कौन कह रहा है कि शबाज चीफ का इस्तीफा होने वाला है, बताएं मुझे, खबर दे रहे हैं ना, हाँ खबर दे रहे हैं। अच्छा ये अच्छा इसके बाद जो पैसे ये डाइवर्ट करते रहे हैं मुख्तलिफ बहुत हम वजीरों को सुनते रहे कि अगर हम अब डाइवर्ट कर रहे हैं तो बाद में हम डाल देंगे इधर, उसमें ये हुआ कि 50 अरब की अदायगियाँ रुकी हुई हैं, ये एक एक आप, और फिर आप कहते हैं दूसरे सूबों की चलें सेंटर की बात कर लेते हैं, पिम्स में गैर मियारी दवाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर बेजाबतियाँ हैं, पिम्स में दवाइयों की खरीदारी में बेजाबतियाँ हैं, मैं इसकी वजह के वहाँ हमारे वो हैं क्या वजीर मसूफ, उन्होंने बड़ी अच्छी खबर दी थी जो फारूक साहब हैं जो क्या नाम है तारिक फारूक साहब क्या नाम किनका यार फेडरल मिनिस्टर वजीर मुमलकत हैं उधर इस्लामाबाद में, उन्होंने खबर दी थी ना पिम्स के बारे में कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पर कोई अस्पताल नया अभी तारिक फजल साहब तो तारिक फजल साहब नया अस्पताल तो नहीं बना लेकिन इसमें जो बेजाबतियाँ हुई हैं ये तो रुक सकती थी, आपने खुद माना है कि इन अस्पतालों पर इतना प्रेशर है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास चूंकि ठेकेदार फ्रेंडली हमने वो बनानी थी जो आपने बना दी है, अगर आप वो ना बनाते जो 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 ये हनीफ क्या नाम है हनीफ अब्बासी साहब से आपने बनवाई थी बगैर ऑडिट के तो वहां और कितने अस्पताल बन सकते थे, तो दिस इज जी चौहान साहब बोले काजी साहब आप क्या तवक्को करते हैं कि एक शख्स वहां मेयर बना दिया इस्लामाबाद का पहला एक शेख नामी और उसको सीडीए का भी चेयरमैन अब हटाया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आपने पढ़ लिया फरख नवाज भट्टी की एप्लीकेशन पर ऑर्डर करके, यानी वो शख्स है जिसने सरगोदे में मरी में कई जगहों पर नवाज शरीफ के घर बना के दिए थे उस नहीं तो आप क्या कहते हैं कि उसको छोड़ के आपको बना देते नहीं मेरा या तो मुझे बना देते मैं तो ये आप किस काम के हैं भाई वो काम करता है भाई यार उसने वहां पे घर बना के दिया है मुझे तो यानी मैं तो क्या कहूं बस मैं सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता अल्लाह का फजल है दिस इज क्रोनीइज्म इस मुल्क को जो बर्बादी हुई है मेरिट को खत्म करके पर्सनल लॉयल्टी पे बंदों को आगे लाने की वजह से एक तो ये है बहुत खबर है स्पोर्ट के हवाले से क्रिकेट के हिसाब से PSL 3 के हवाले से कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क जिसमें
24 न्यूज़ भी शामिल है, इन्होंने एक बहुत बड़ा अहम वायदा किया है मुल्तान के हवाले से, और बड़े बड़े क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी जो है उसमें शामिल हैं। खिलाड़ियों को मुबारकबाद, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि अब एजिटेशन क्या रुख। वेलकम बैक। तो तीन खबरें चाहिए साहब, एक तो हुई नहीं, एक तो वो जो कौन सा फॉन्ट था, कैलिबरी फॉन्ट, उसके खिलाफ आज अपील होगी, हो अपना दरख्वास्त होगी कि जनाब खोलो, जाली कागज़ इन्होंने पेश किया था, उस पर बात नहीं हुई। और फिर जनाब नोटिस भी सर्व हुए हैं नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहब को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो अदालतों पे अटैक और हमले आ रहे हैं, तो ये भी केस क्या टेक अप, क्या किया इन्होंने, क्रिकेट की अहम खबर देनी है आपको, क्या किया इन्होंने मरियम ने और नवाज शरीफ ने, उनको भाई उन्होंने नोटिस दिए ना जो आप हर जगह पे, और पैमरा को भी कहा कि आप बताएं कि आप इनको क्यों नहीं रोक रहे, ये जो अटैक कर रहे हैं, ये क्यों चलाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर सब कुछ। ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने शायद जस्टिस गालबन जस्टिस शायद करीम साहब हैं, बड़े अपराइट जज हैं, तो उन्होंने ये इस तरह से किया है। तो अब सवाल ये है चौधरी साहब कि अब चले आएँ, अब आपने बताना था हमें कुछ इस बाबत जो हुआ है, 17 के बाद क्या होना है, मूवमेंट बन रही है, हफ्ता बहुत क्रूशल है कल से। हाँ, अवाम आएंगे तो क्रूशल होगा, ये तो है, अवाम आएंगे तो क्रूशल होगा चौधरी साहब, अवाम अगर आएंगे तो क्रूशल होगा, इंशाल्लाह आ रहे हैं अवाम, और क्या होने, आप देख नहीं रहे, अपने इश्यूज पे अकेले आ रहे हैं बेचारे, अपने दुख दर्द, तीन दिन किसी ने खबर ही नहीं दी कसूर की, खुद बाहर आए हैं और सोशल मीडिया सामने आया, सलाम करते हैं हम सोशल मीडिया को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने इसको सामने लेके आए हैं, तो किसी के कान पे जोर रहेगी, वरना इन्हें तो उठना नहीं था, इन्होंने दूर से खबर सो जाना था, क्योंकि इनके तो बच्चे ज़ाहिर गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। आते हैं, एक जुमला सुन लें, एजिटेशन का फाइनल राउंड है और इसमें नून लीग की बची खुची हुकूमतें घरों को जाएंगी और जो मुल्ज़मान है वो जेलों में जाएंगे, आप देख लें कल से ये शुरू होगा। हमारा ये काम है कि अवाम इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे या नहीं, बहरहाल ये मेरी राय है। मगर अब क्रिकेट की तरफ आते हैं, क्रिकेट जो चौधरी साहब PSL 3 है इसकी, इसमें मुल्तान सुल्तान्स का जो है वो, और हम हमारा City 42 उनका, यार आप देखें मीडिया शोएब मलिक की कप्तानी भी होगी और वसीम अकरम का तजर्बा भी इसमें शामिल है, मोहम्मद इरफान है, जुनेद खान है, सोहेल तनवीर है, कमारा सिंह का कारा भी है, और बड़ा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लॉट हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सेंसेशनल इजाफा होगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई एंटरटेनमेंट तो रही नहीं है इस, और ये जनूबी पंजाब के वाले आए हैं, बड़ी बड़ा वाक्य है, और हमारे चैनल को, हमारे चैनलों को, सिटी न्यूज नेटवर्क को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने मीडिया पार्टनर्स के तौर पर दूसरे लोगों के मुकाबले में हमें प्रेफरेंस दी और हमारे साथ चले हैं, और इंशाल्लाह उनको मायूसी नहीं होगी, एक काबिल फख्र कारनामा होगा, क्योंकि ये चैनल सच्चाई और हक के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक टीम बड़ी मजबूत लग रही है चौधरी साहब, क्योंकि शोएब मलिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, मोहम्मद इरफान हैं, और जुनेद खान बॉलर जो है, सुहेल तनवीर ने बड़ा उनका एक नाम है अभी पता नहीं, और लोग तो इमरान ताहिर हैं इसमें, तो ये सब आप तो इसलिए भी, वो सानिया मिर्जा भी आएंगी ना इंडिया वाली। हाँ बहुत अच्छी बात है, वो आपकी आपकी बहू बनती है ना हमारी, तो यही कह सकते हैं, वो विराट कोहली और वो नवी उसकी बीवी ना आ जाए, वो भी आ जाए, दे आर मोस्ट वेलकम, ये तो वो आए, हम तो इस तरह से नहीं बाल है। अभी इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो गया, और इंडियन प्लेयर्स आएँ, यहाँ आएँ, देखें ये तो मोदी साहब ने हमें वहाँ पे गंद डाला हुआ है, और यहाँ पे मोदी साहब के जितने दोस्त हैं कम से कम उन्हें समझाएं, क्रिकेट तो होने दें हजूर, आपकी सियासत जो है ज़ाहिर है आपने तो सियासत जो है ये गंद डाल के ही करनी है ना, यहाँ पे फंडामेंटलिज्म, हिंदू फंडामेंटलिज्म फैलाना है यहाँ आपके पास, अच्छा वो हिंदू फंडामेंटलिज्म फैला रहे हैं और हम लिबरलिज्म के नाम, मैंने एक भाईजान को कहा, मैंने कहा बड़े वेस्टर्न लिबरल है माशाल्लाह ना, वो बड़ी मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं कहो बात सुनो, वो वहाँ पे वो बंदों को मार रहे हैं, अगर वो गाय ज़िबा करता है, वहाँ के जितने शरीफ लोग और नजीबुल तरफैन लोग हैं वो अवार्ड्स मुँह पे मार रहे हैं रियासत के, कहते हैं नहीं 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 फिर भी हम जो है वो इंडिया, ये प्रो इंडिया क्या, हम मैं प्रो इंडिया इस हवाले से हूँ कि मैं जो इंडिया के अवाम है उनके साथ हमारी यकजहती है, वो भी इसी तरह से कुचले हुए हैं, और उनकी लड़ाई और सब कॉन्टिनेंट क्या पूरी दुनिया के मेहनतकशों की लड़ाई है, इकट्ठी है, अलादा नहीं है, वो एक लोग हैं, हम तो ये कहते हैं ये हमारा इंडिया के साथ है और हर मुल्क के साथ है, मगर ये जो सियासत करने वाले मोदी है, ट्रंप है, तो आप उनको इनवाइट करें, ये हमारी शुगर सोसाइटी को बड़ी बीमार है, यकीन फरमाएं कि सुल्तान मुल्तान जो सुल्तान है आपकी टीम है और उसके सिटी नेटवर्क वाले, उनको भी बुलवाएं, उनको किसी दिन बुलाएंगे, या जाहिर आप हमारे टीवी पे तो आपको अक्सर वो नजर आएंगे, क्योंकि हम उनके मीडिया पार्टनर भी हैं, और अब क्लोजिंग का वक्त है, और फिर इसी दुआ के साथ कि कोई ऐसा फिर सानिया ना हो, मगर इनके होते हुए हमें डर ही लगा रहता है, न जाने कल क्या हो जाए, जब तक ये रहेंगे हमें डरते रहेंगे, खुदा इनसे जल्द निजात दिलाए इस मुल्क के अवाम को, अल्लाह हाफिज़।